दोस्तों, आज की कहानी है बहू अभी से अपनी बेटी पर इतना बोझ क्यों डाल रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुहानी बेटा, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो, एक साल हो गया। अब तो तुम्हें नौकरी करते हुए अब तो शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी। वीकेंड पर घर आई बेटी से सुनिधि ने अपने मन की बात रखी। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मुझे नौकरी में पैर तो जमाने दो। नहीं नहीं, नौकरी है, अभी तो सैलरी भी कुछ खास नहीं, मैं अपने खर्चे कैसे करूंगी। आप भैया से क्यों नहीं कहती, उनकी नौकरी को तो 2 साल हो गए, वह मुझसे बड़े भी हैं, पहले तो उनकी शादी होनी चाहिए। सुहानी ने कहा, अरे अभी तो उसने कुछ भी सेविंग्स नहीं की, अभी उसकी शादी कर दूंगी तो अपनी पत्नी के लिए कैसे गृहस्थी का सामान खरीद पाएगा। फिर शादी होते ही सामान खरीदेगा तो उसे क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा। फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों खर्चे शुरू हो जाएंगे, इसलिए अभी कुछ समय अपनी मौज मस्ती के बाद जब कुछ सेविंग्स कर लेगा और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लायक हो जाएगा तभी उसकी शादी करूंगी। सुनिधि ने बेटी को समझाना सहा, मम्मी यही बातों में आपको समझाना चाह रही हूँ, मुझे तो अभी केवल 1 ही साल हुआ है, फ्रेशर्स वाली सैलरी है, अभी इतनी कम सैलरी में क्या और क्या अपने पति को खिलाऊंगी और क्या घर के लिए अपनी पसंद का सामान खरीद पाऊंगी। फिर घर वालों को बच्चे की बेचैनी लग जाती है तो मुझे नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेरा तो कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ना बाबा ना, जब भैया अभी अपने परिवार का खर्चा उठाने में असमर्थ थे तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, सुहानी जुझलाहट के साथ बोली। बेटी की बात सुनकर सुनिधि हंसी, अरे बेटा वह तो लड़का है, लड़कों की तो जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना, तुम तो लड़की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ही ना है परिवार के खर्चे की, तुम्हारा पति तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा, हमने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाया लिखा, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो, आप कौन से जमाने की बात कर रही हो, लड़का लड़की ये फर्क क्यों, जब मैंने पढ़ाई की है नौकरी शुरू की है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, परिवार मेरा होगा तो मेरी भी पसंद होगी, मेरे भी कुछ खर्चे होंगे, वो सब मेरी ही तो जिम्मेदारी होंगे। मम्मी ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, अपने कैरियर को एक उड़ान दूँगी, जब मुझे लगेगा कि मैं अपने परिवार के खर्चे उठाने लायक हूँ तभी मैं शादी करूँगी। भैया और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, सास के समय में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लड़कियाँ कदम से कदम मिलाकर तभी चल सकती हैं जब उन्हें बात बात पर लड़की होने का एहसास ना कराया जाए। जब लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया है तो बराबरी की दुनिया भी तो बसने दो, कहकर सुहानी उठकर अपने कमरे में चली गई। सुहानी सही कह रही है सुनिधि, सार्थक और सुहानी में कोई फर्क नहीं है, तुम उन दोनों को लड़का लड़की के तराजू में मत तोलो, हमने अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाया है कि वह किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं, आज के समय में केवल सैलरी नहीं और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जो अकेले लड़की को ही संभालनी पड़ती हैं। अभी बेटी पर बोझ मत डालो। इतनी देर से सू बेटे सुहानी के पापा केशव जी बोले। सुनिधि भी समझ रही थी कि बेटी भी की बात सही है, उसे भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जल्दी ही शादी और घर परिवार की जिम्मेदारियों में बांध दिया गया था, साथ ही वे भी कहाँ कुछ कर पाई थी, वही गलती वह अपनी बेटी के साथ
दोहरा रही थी अपनी बेटी को महिला होने का एहसास दिलाकर उसे छोटा और कमजोर करा रही थी। अपनी गलती समझ आते ही सुनिधि खड़ी हुई और रसोई की तरफ सल दी। अपनी बेटी के लिए मनपसंद कटलेट और कॉफी बना।